नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माय हीरो हेल्थ। मैंने तो करनी ही पड़ेगी फिटनेस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी वात और पित्त के बारे में, आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमारा वात और पित्त दो चीजों के तत्वों से मिलकर बना था, वैसे ही हमारा जो कफ है वो भी अर्थ और पानी के, अर्थ यानी कि पृथ्वी और पानी के तत्वों से मिलकर बना है। अब जानते हैं इसका काम क्या है। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर की जो शेप है, शेप एंड साइज यानी कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की डेंसिटी है, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही दोस्तों, जो कफ होता है वो हमारे बॉडी वेट को, यानी कि हमारी जो बॉडी का वेट है या हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसी के साथ जो कफ होता है वो हमारे लंग्स में और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बैलेंस करने का काम भी कफ करता है। दोस्तों, कफ का जो मेन काम होता है वो ये है कि हमारे जो शरीर के अंदर, हमारी जो माइंड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड्स, जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करता है ये कफ। और अगर ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो वो कहलाता है कफ दोष। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जो कफ होता है वो इसी के साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, फैट, मसल, बोन, बोन मैरो या नर्व टिश्यू, साथ ही जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन करता है और उनको कंट्रोल करता है, उनका जो शेप एंड साइज होता है उसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको कफ दोष के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और बेहतरीन हेल्थ वीडियो के साथ।